अजी क्या साल ठीक ठाक सारे। दो तीन दिन से ऐसा हो रहा है कि हमारे सारे व्लॉग गाड़ी के स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी रीजन है। आज का प्लान ये था कि मुझे मोटरसाइकिल पिकअप करनी थी। उठा बड़ी खुशी खुशी जनाब, रेडी हुआ, ब्रेकफास्ट किया, बाहर निकला तो देखा कि बारिश हो रही है। जिस दिन प्लान होना कि मोटरसाइकिल पर मुझे राइड पर जाना, जरा लंबी, उस दिन बारिश हो जाती है, लेकिन अल्लाह की मर्जी है इसमें। उसके बाद ये हुआ कि मैं गाड़ी में निकला हूँ, मैंने कैमरा लगाया यहाँ पे, माउंट किया है व्लॉग के लिए, और मैं तकरीबन कोई ड्राइव कर रहा हूँ। साथ में मैंने कोई 5-7 मिनट में बोलता रहा हूँ। जब मैंने गाड़ी रोकी है इधर कॉफी शॉप पे आके, तो देखा है कि वो कैमरा तो ऑफ था, वो सारी फुटेज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सही है, तो अभी का ये प्रोग्राम है कि मुझे जाना है रेस्टोरेंट शहजादी को पिक करते हैं, उसके बाद हमने मॉल जाना है, उनको एक दो काम है वो करने हैं। दो काम बड़े जरूरी थे और मैंने वही अलाइन किए हुए थे आज के दिन में। समटाइम आप होता है कि आप सोचते हो कि यार ये करेंगे आज के दिन में और व्लॉग हो जाएगा, लेकिन खुदा की मर्जी होती है, बहुत सी चीज़ें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। जो हमारा टेम्पररी तौर पर तो मूड ऑफ होता है कि यार ये क्या हो गया, ये हो गया, बहुत सी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइफ में कुछ नहीं मिला, कुछ अल्लाह ताला ने दे के छीन लिया, दोस्त हो गए, यार हो गए, गर्लफ्रेंड हो गई, और वैसे मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ हो गई, पैसे हो गए, तो उस टाइम पर तो हम लोग बड़े नाराज़ होते हैं, यार ये क्या हो गया, हमारे साथ ही होना था, मैं ही रह गया हूँ, ऐसा वैसा। लेकिन एक टाइम के बाद जब वो चीज़ें बेहतर होती हैं, फिर आपको समझ आता है कि वो लोग वो चीज़ें टेम्परेरी थे, परमानेंट नहीं थे। वो आपको ज़िंदगी के कुछ लेसन देने आए थे और उनका पार्ट आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इतना ही था, तो उस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। आई मीन ये वो चीज़ें जो मुझे भी वक्त के साथ समझ आई हैं कि यार ये तब ऐसे हुआ था तो क्यों हो गया था, लेकिन अब समझ आता है कि हाँ यार वो जो हुआ था वो अच्छा हुआ था। सो अगर किसी को कोई दलाज आ रही है या कोई इस तरह से नाराज़ होकर लाइफ से बैठा हुआ है, सो गैर आउट। बहुत से लोग हैं आपसे प्यार करने वाले, आपका ख्याल रखने वाले, और अगर फिल वक्त पैसे नहीं आए, आई नो कि ये फिलासफी वाली बात होती है कि नहीं यार जिसके पास होते हैं वही बोलता है, जिसके पास नहीं होते उसी को पता होता है, आई अंडरस्टैंड। मेरे साथ ये सिचुएशन रही है सारी, लेकिन इट्स ओके, पार ऑफ लाइफ, क्या किया जा सकता है, पास वो जो गुजर गया। फ्यूचर को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा, और अगर प्रेजेंट में भी अगर आप पास को ही रोते रहोगे फिर तो मसला है भाई साहब। तो उठें, ख्याल रखें अपना, फ्रेश हों, नाश्ता वाश्ता करें, नहीं करना तो ना करें, लेकिन बेड से निकलें, ब्लॉग ज़रूर देख लें, ये ना किसी को यहीं बंद करके चले जाएं, और यार ज़िंदगी को जीना सीखें। एक ज़िंदगी आनी है, चली जानी है, पता भी नहीं चलना। हमारे मेरे अंकल के बड़े बेस्ट बड़ी हैं, बड़े अच्छे बेस्ट बड़ी, जब से वो 80s में अंकल आए थे तो उनके वो तब से दोस्त थे, और रेस्टोरेंट पर भी आते थे। ही वॉज़ फ्रॉम इंडिया पंजाब। तो एक दिन जनाब अचानक से सुबह पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। हर दूसरे दिन हमारे पास रेस्टोरेंट पे आ रहे थे सबसे गपशप लगाने। तो जब आपको ऐसा झिझका लगता है ना, फिर आपको एहसास होता है कि यार ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जानी है। सो इसको जितना इंजॉय कर सकते हैं, जितना बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए कोशिश की जा सकती है। बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने नसीबों में चीज़ें लिखी हुई, लोग लिखे हुए तो आ जाएंगे, नहीं लिखे होंगे तो इट्स ओके, क्या किया जा सकता है। वी कैन नॉट फाइट विद आवर डेस्टिनी, राइट? वी कैन स्ट्रगल फॉर इट, वी कैन प्रे फॉर इट, बाकी जो अल्लाह का मंजूर। आज अच्छा, अभी बड़ा भाषण हो गया, अभी मैं रेस्टोरेंट ही जा रहा हूँ, कॉफ़ी मैंने ले ली है, शहजाद भाई को पिक करना है। उससे नाश्ता करना स्टार्ट किया ना, वल्लाही मेरा दिन अच्छा गुजरना शुरू हो गया, एनर्जी रहती है, दिल करता है उठने को, भागने दौड़ने को। पहले तो ऐसे काहलों की तरह, सुस्तों की तरह पड़े होते थे कि देखो ये सारी अभी सुबह की एनर्जी है, और अभी मैं जब उठा हूँ मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी। नाश्ता वाश्ता किया, बाहर निकला हूँ, और जैसे ही व्लॉग स्टार्ट किया ऐसे ऐसे करना शुरू हो गया काम। आज ना प्लान चौपट होने का दिन है, मॉल जाने का भी प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि शहजाद भाई को अर्जेंट कहीं काम जाना पड़ गया। तो अभी फिर मैं आया हूँ टारगेट, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम मैंने एक दो ट्राउज़र लिए थे जो कि ट्राउज़र्स भी हैं, उनको आप पैंट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मटेरियल बड़ा अच्छा था और बड़ा मज़े का था, और देखने आया हूँ कि प्योर कलर पड़ा हुआ था वो भी ले लेते हैं। वैसे मुझे उम्मीद तो कोई नहीं कि पड़े हों, लेकिन अगर पड़े हुए तो मज़े आ जाने हैं। वो मटेरियल इतना मज़े का है, जैसे मर्जी आप यूज़ करो। सेल पे थे, अभी देखते हैं मिलता नहीं मिलता, अभी फाइनल क्या था। मैंने कहा यार और कोई काम तो है नहीं, तो ऐसे भी होता है, प्लान आप दिन में कुछ करते हो लेकिन नहीं हो पाते, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, खैर मसला नहीं है। फैक्स मजे के यार, लुक एट दिस, मिल गए, यस, यही वाला ट्राउज़र था, ये बड़ा मज़े का फ्लेक्सिबल ट्राउज़र है, और कलर्स भी हैं, और एक ऑलरेडी है, दो और लेते हैं। या लेट्स डू दैट, ले लिए, शुक्र है मिल गए। एक ब्लैक और ले लिया, ब्लैक ऑलरेडी मेरे पास था पहले भी, लेकिन एक ग्रीन और ले लिया, बस इतना सा काम था। चलो शुक्र है कोई काम तो हुआ, लेट्स टेक इट ऑफ।
और ही चीज़ें देखनी, और देखेंगे तो फिर लेनी शुरू कर देंगे। ये गलत काम है। ये जो ब्लैक कलर से ऑब्सेशन है ना, ये मेरा ख़त्म नहीं होना। अगर मेरे पास 10 ट्राउज़र हैं तो उनमें से जो 7 हैं वो ब्लैक होंगे। ऑलरेडी मेरे पास ब्लैक 5-6-7 पड़े हुए हैं, अभी एक और ब्लैक ले लिया। बट इट्स गुड, इट्स वर्थ इट। बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश, पाकिस्तान का बना हुआ, बांग्लादेश का बना हुआ, इंडिया का बना हुआ, यहाँ पे डॉलर्स में सेल होता है। पीपल मेक हेल लॉट ऑफ मनी जो वहाँ से प्रोडक्शन करवा के मंगवाते हैं। चलो कोई काम तो हुआ है, अभी चलते हैं फिर घर अब, और लॉन्ड्री शॉन्ड्री देखते हैं। वो मैं डाल के आया था, वो अब ड्राइवर डालते हैं और फिर रेस्टोरेंट के लिए रेडी होते हैं।